सिरसा में डॉक्टर के घर पर हमले का मामला। जी हां, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने हमला करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीती रात अज्ञात हमलावरों ने तोड़फोड़ की थी और सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई। डीएसपी जगदीश काजला ने जानकारी दी। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस ने हमला करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी सफलता पुलिस के लिए कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि बीती रात अज्ञात हमलावरों की ओर से घर में तोड़फोड़ की गई थी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकुल, जानना चाहेंगे आपसे कैसे पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची और क्या कुछ इस मामले में ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए दीपशिका, बिल्कुल ये कल देर रात का मामला है। एक हकीम के घर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया और हमला इस कदर था कि शीशे तोड़े गए, पत्थरबाजी की गई और तेज धार हथियारों से बाहर हमला भी किया, तोड़फोड़ भी की गई। बाहर खड़ी एक बुलेट बाइक को भी तोड़ा गया। हालांकि उस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई थी। उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आज कल देर रात 6 लोगों को, 6 युवा हैं जो उनको गिरफ्तार किया है। और अब से कुछ ही देर पहले डीएसपी जगदीश काजला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। हालांकि पहले मामला सेंसिटिव लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें ये बात निकल कर आई है कि जिस डॉक्टर के घर के जिस डॉक्टर के घर पर हमला हुआ उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ कोई पुरानी रंजिश थी, जिस वजह से वो 6 लोग हमला करने आए थे। हालांकि पुलिस ने बताया है कि डॉक्टर के घर गलती से ही हमला इन लोगों ने कर दिया, क्योंकि उन्हें जानकारी थी कि किसी घर के बाहर बुलेट खड़ा है और उस बुलेट के वाले घर में ही वो युवक है जिसके साथ इन्होंने। बिल्कुल नकुल, यानी कि कुल मिलाकर आपसे रंजिश का ये मामला है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ये होगा अब मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुक्रिया नकुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, बीती रात अज्ञात हमलावरों ने तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।